हेलो फ्रेंड्स, मैं मोहम्मद ज़करिया ख़ान और आप देख रहे हैं ट्रिब्यून हिंदी डॉट कॉम। जैसा कि आप जानते हैं, हाल ही के दिनों में एक नोटिफिकेशन आया गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का, जिसमें ये कहा गया कि लेटरल एंट्री में भर्तियां। आप सोचिए कि लेटरल एंट्री में भर्ती निकलना अच्छी बात है, मगर ये भर्ती निकली थी उन पदों के लिए जिनके लिए छात्र लंबी तैयारी करते हैं, जैसे कि कई मंत्रालयों के सचिव के पद और भी ऐसे पद जो यूपीएससी के एग्ज़ाम देकर निकाले जाते हैं। पर सरकार ने उन पदों को लेटरल एंट्री से भरने की के लिए एक नई कोशिश शुरू की और लेटरल एंट्री के नाम पर बहुत से ऐसे छात्रों का नुकसान किया जा रहा है जो कई सालों से सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहे हैं। हमारे साथ हैं नवेंद्र मिश्रा, हम उनसे बात करेंगे और पूछेंगे कि पहली नज़र में आप इस कदम को कैसा देखते हैं। नवेंद्र भाई, हमें बताएं कि आप पहली नज़र में केंद्र सरकार के इस कदम को कैसा देखते हैं। देखिए, ये जहाँ जैसा कि आपने मेंशन भी किया कि छात्रों के लिए तो एक अहितकारी कदम है ही, दूसरी तरफ ये भारत की पूरी व्यवस्था के लिए एक बड़ा अहितकारी कदम है। और इसको हमको समझना होगा कि आईएएस या यूपीएससी जब सिलेक्शन करता है तो यूपीएससी किस तरीके से एक आईएएस को तैयार करता है और उसके बाद वो सचिवालय भेजता है। तो पहले उसकी ट्रेनिंग होती है, वो पहले कंपटीशन एग्ज़ाम्स देता है, फिर उसके बाद उसकी प्रॉपर ट्रेनिंग होती है जिसमें वो जानता है कि भारत की व्यवस्थाएं क्या है और कैसे ये चलता है, प्रशासनिक व्यवस्थाएं क्या है। उसके बाद वो ज़मीन पर एसडीएम के रूप में प्रोविजन में रहकर, एडीएम के रूप में और फिर कलेक्टर कुछ समय रहकर फिर मंत्रालयों तक पहुँचता है, जिसमें उसकी ये ज़मीन की समझ कि असल में ज़मीन के मुद्दे क्या हैं, ज़मीन की व्यवस्थाएँ कैसे चलती हैं और सारी प्रशासनिक गतिविधियां कैसे संचालित होती हैं, उस समझ को तैयार करने के बाद वो मंत्रालयों तक पहुंचता है। लेकिन लेटरल एंट्री के थ्रू क्या होने वाला है कि एक बंदा जो किसी कॉरपोरेट घराने में, किसी बड़े उद्योग में काम किया है, जिसका काम मुख्य रूप से सिर्फ बिजनेस टू बिजनेस डील करना रहा है, वो कभी पब्लिक डीलिंग में नहीं रहा है, उस व्यक्ति को हम प्रशासनिक निर्णयों या पॉलिसीज़ बनाने के लिए भेज रहे हैं। तो ये वैसा है, ये बड़ा अजीब है कि क्या हम एक व्यावसायिक प्रतिष्ठान चला रहे हैं, क्या सरकार एक व्यावसायिक प्रतिष्ठान है या फिर एक सामाजिक सरोकार की। मतलब यूं कि एक बंदा जिसने अडानी या अंबानी के यहाँ बड़े पद में रह के नौकरी की, अब सरकार उन्हें डायरेक्ट उस लेवल में ला रही है जहाँ पे छात्र पहुँचने के लिए सालों मेहनत करते हैं। बिल्कुल। तो जैसे कि हम जानते हैं कि भारत में लगभग 2020 में लगभग 10 लाख से ज़्यादा छात्रों ने फॉर्म भरे थे आईएएस के प्रीलिम्स के, लेकिन वो 10 लाख छात्र तो हताश हैं ही और ऐसे लाखों छात्र ऑलरेडी तैयारी कर रहे हैं। बहुत सारे छात्र अपनी पढ़ाई के समय से ये करते हैं। तो अगर सरकार इस तरीके के कदम लेती है तो जिन छात्रों ने अपना समय दिया, अपना पैसा खर्च किया और बाहर रह के बड़े शहरों में रहकर तैयारी कर रहे हैं, उनके साथ तो ये बिल्कुल छलावा है। मतलब दिल्ली का मुखर्जी नगर हो, इलाहाबाद हो, लखनऊ हो, भोपाल हो या जयपुर, ऐसे बड़े शहर पुणे हैं जहाँ पर रह के लोग सिविल सर्विसेज की तैयारियाँ करते हैं, बड़े एग्ज़ाम्स की तैयारियाँ करते हैं और उनकी ये कोशिश होती है कि उन एग्ज़ाम को निकालने के बाद वो बड़े ऐसे जो पद हैं सिविल सर्विसेज के, जो सरकार के, लोक सेवा के, उन पर पहुँचेंगे, क्या उस पर पानी फिरता नज़र नहीं आ रहा आपको? ये तो सीधा सीधा पानी ही फिरना हुआ ना, क्योंकि जब ऊपर के लेवल पर आप पदों को भरेंगे और वो पद नीचे के जो बाकी ऑलरेडी आईएएस हैं उनके द्वारा वो पदोन्नति नहीं होगी तो वो ऑलरेडी अपनी सर्विसेज करते रहेंगे, तो इससे धीरे धीरे जो पदों की संख्या है वो भारत में घटने लगेगी। और जो लोग ये तैयारियां कर रहे हैं, और धीरे ये भी हो सकता है कि ये पॉलिसी लेवल पे अभी तो केंद्र सरकार में बस कर रहे हैं, लेकिन अगर यही पॉलिसी राज्य सरकारों ने अडॉप्ट की और लोकल पीएससीज जो हमारे यहाँ पब्लिक सर्विस कमीशन के एग्ज़ाम होते हैं, चाहे वो एमपी में हो, चाहे यूपी में हो, अलग अलग राज्यों में होते हैं, अगर उसमें किया तो ये तो लाखों की संख्या नहीं, ये करोड़ों की संख्या में छात्रों के साथ कुठाराघात होगा। अच्छा, सरकार का कहना है कि हम इससे क्वालिटी ला रहे हैं, हम अच्छे लोग जो हैं, जो बड़ी कंपनियों में सीईओज हैं या बड़े पद हैं, उनके एक्सपीरियंस का यूज़ कर रहे हैं, सरकार का ऐसा मतलब मानना है, तो इस चीज़ को आप कैसा देखते हैं? देखिए, जो देश चलते हैं वो देश बिजनेस नहीं है। तो जो सरकार का तर्क है कि हम सीईओज को लेके आ रहे हैं तो हमें कोई एक बिज़नेस नहीं चलानी, हमें इंडस्ट्री नहीं चलानी, या हम ये नहीं कह रहे हैं कि हमको हमारा जितनी भी पेट्रोलियम नवरत्न कंपनियां उनके लिए सीईओज चाहिए, वो सीईओज नहीं चाहिए हमको, हमको चाहिए देश चलाने के लिए, पॉलिसी बनाने के लिए, पब्लिक पॉलिसी के लिए ये लोग।
तो पॉलिसी मेकर्स चाहिए जो पॉलिसी को ड्राफ्ट करेंगे, जो मंत्रियों तक पॉलिसी ले जाते हैं, क्योंकि मंत्री तो खुद ड्राफ्ट नहीं करते, तो जो पॉलिसी मेकर्स हैं उनकी अपनी समझ भारत की व्यवस्था और भारत के लोगों की, नागरिकों की आवश्यकताओं की समझ होनी चाहिए, जो कि सीओस के द्वारा ये फुलफिल नहीं होता। अगर हम भारत के पूरे संवैधानिक ढांचे को देखते हैं तो जिस तरीके से विश्व में तीन प्रमुख विचारधाराएं प्रचलित हैं, जिसमें एक व्यवस्था है जो पूंजीवादी व्यवस्था है, जिसमें सिर्फ पूंजी ही महत्व रखती है, सामाजिक सरोकार कम महत्व रखता है। दूसरी व्यवस्था है साम्यवादी, जिसमें सरकार सर्वोपरि होती है। को दर्शकों को समझाने के लिए बता दें, वामपंथी, हम वामपंथी कहते हैं, और चाइना को इसका बड़ा मॉडल कहा जाता है, जिसमें सारी चीज़ें सरकार के अपने हित में होती हैं, और पूंजीवादी व्यवस्था में सब कुछ प्राइवेट होता है। लेकिन भारत एक समाजवादी व्यवस्था है, जो इन दोनों के बीच की व्यवस्था है, कि यहाँ पर प्राइवेट भी होगा और सरकारी भी होगा। सरकारी इसलिए होगा कि बहुत बड़ी जनसंख्या है और बहुत सारे लोग गरीब हैं, तो ऐसी व्यवस्था में जब तक सब आर्थिक रूप से सक्षम नहीं होते, प्राइवेट हाथों में चीज़ें नहीं दी जा सकती, और सामाजिक सरोकार महत्वपूर्ण होगा, जिसमें वंचित समुदायों का सबसे ज़्यादा, जो हम कहते हैं कि मुख्य धारा में लाने का प्रयास, वो सरकार की प्राथमिकता होगी, ना कि प्रॉफिट या लॉस कमाना। तो ये जो तर्क सरकार का, ये एक तरीके का हम कुतर्क कह सकते हैं, और हर बार जब सरकारें आती हैं वो अपने हर फैसले को जनहित में बताती हैं। सरकार का ये भी तो कहना पड़ रहा है कि ये फैसला मनमोहन सरकार ने भी लेने की कोशिश की थी जी। हम तो ये कह ही नहीं रहे कि मनमोहन सरकार ने लिया तो सही था, आपने लिया तो गलत है, ये बात तो है ही नहीं। अगर फैसला लिया गया है, चाहे मनमोहन सरकार ने लिया हो, उस समय मनमोहन सरकार की कमज़ोर गवर्नमेंट थी, 206 सीटें लोकसभा में उनके पास थी और पूर्ण बहुमत था नहीं, तो मनमोहन ये कर नहीं पाए। और इसके पीछे पूरी राजनीति है कॉरपोरेट्स की। कॉरपोरेट घराने चाहते हैं कि जो भी पब्लिक पॉलिसी हो, वो पब्लिक पॉलिसी जनता के लिए ना होते हुए कॉरपोरेट के फेवर की हो, और इसके नए नए तरीके वो हमेशा ढूंढते रहते हैं। मतलब कॉरपोरेट्स के हिसाब से सरकार के पॉलिसीज बने, उनके कानून बने, ये सारी चीज़ें, इसलिए वो चाहते हैं कि उनके लोग बैठे। बिल्कुल, जैसे BSNL का हाल हम देख सकते हैं, जिस समय जियो लॉन्च हुआ तब से लेके आज तक BSNL ने कभी अपना 4G लॉन्च नहीं किया, जबकि हम जानते हैं कि BSNL की बैंडविड्थ पर ही ये सारी कंपनियां काम करती आई हैं। लेकिन BSNL को किस तरीके से संगठित स्वरूप में ख़त्म करने का काम किया गया, उसी तरीके से आने वाले दिनों में सरकारी कंपनियां, सरकारी रोज़गार, हमारे शिक्षा विभाग की लेते हैं कि जैसे पिरामल फाउंडेशन और BCG फाउंडेशन ने ये किया कि भाई हम इस तरीके का, हम सरकार को एजुकेशन में मदद करने का प्रोविज़न करेंगे। उसका परिणाम मध्य प्रदेश में ये देखने में आ रहा है कि जो RTE में प्रावधान है पड़ोसी स्कूलों का, वो धीरे धीरे सरकार न्यू एजुकेशन पॉलिसी और क्लस्टर स्कूल्स के कहकर, एक विद्यालय एक परिसर एक विद्यालय के नाम पर धीरे धीरे पड़ोस के स्कूल को बंद करते हुए अपने क्लस्टर स्कूल्स बना रही है, जिसका परिणाम ये हो रहा है कि बच्चे को अब अपने ही गाँव में एक प्राइवेट स्कूल में जाना पड़ रहा है। तो ये एक सिर्फ कंसल्टिंग ग्रुप के आने का ये परिणाम है, जिसका परिणाम हुआ कि 18,000 लगभग स्कूल्स मध्य प्रदेश में बंद हो रहे हैं, इसी वर्ष बंद होने वाले। तो इस तरीके के पॉलिसी मेकिंग होती है प्राइवेट के आने के कारण, क्योंकि उनका सीधा सरोकार होता है पैसे से। तो हमें सरकार चलानी है, सरकार चलाने के लिए लोग चाहिए। आप सोचिए, लोक सेवा आयोग इतना महत्वपूर्ण विषय है कि इसका जिक्र आर्टिकल 317 से 322 के बीच संविधान में किया गया। संविधान निर्माताओं को भी ये ज्ञात था कि भारत की व्यवस्था को चलाने के लिए अच्छे लोग लगेंगे। लोक सेवा को अब कॉर्पोरेट सेवा में बदला जा रहा है जी। तो अब क्योंकि ये व्यवस्था जो अभी फिलहाल में सरकार है वो दक्षिणपंथी सरकार मानी जाती है और पूंजीपतियों की सरकार मानी जा रही है, जिसका बड़ा उदाहरण किसान आंदोलन भी है। तो अगर हम, आप जो बात कह रहे हैं कि ये कॉर्पोरेट्स की सरकार है या कॉर्पोरेट ही, मतलब क्या ये जो जो चीज़ें हो रही हैं, जिस तरह से प्रोग्रेस कर रही है गवर्नमेंट की, लोगों को लेटरल एंट्री में लेके आना, लेटरल एंट्री में बड़े बड़े पदों को भरना, तो क्या अब लोक सेवा कॉरपोरेट सेवा में बदल? बिल्कुल बिल्कुल। तो ये सीधा सीधा है कि लोक सेवा कॉरपोरेट सेवा की तरफ जा रही है, क्योंकि हमने जब इस संघ का नाम रखा था, जब चयन परीक्षा होती थी तो लोक सेवा आयोग है, ये सिविल सर्विसेज है, मतलब लोगों की सेवा करने के भाव से। और ये कह रहे हैं कि इस स्किल को लाके हम प्रॉफिट मेकिंग करेंगे, ज़्यादा स्किलफुल व्यक्ति नहीं चाहिए, संवेदनशील व्यक्ति चाहिए, समझदार व्यक्ति चाहिए, जो लोगों के हित के लिए योजनाएं बना सके, वो ये समझ सके कि एक महिला की क्या ज़रूरत है
और एक गांव में बैठे ग्रामीण की क्या ज़रूरत है, शहर में बैठे युवा की क्या ज़रूरत है, जो कि एक कॉरपोरेट से आए बंदे के लिए कर पाना बड़ा मुश्किल होता है। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए नविंदु। हम चाहेंगे कि आगे भी आपसे बातचीत हो और भी अन्य महत्वपूर्ण विषयों पर हमसे बातचीत हो। ये थे हमारे साथ नविंदु मिश्रा, जो कि लेटरल एंट्री की जो भर्तियां हो रही हैं यूपीएससी के एग्ज़ाम्स के बिना, बड़े बड़े जो सचिव के लेवल के पद हैं उन पर हमसे चर्चा कर रहे थे, सरकार के इस फैसले पर हम बात कर रहे थे। आगे भी अन्य विषयों पर हम बात करेंगे नविंदु के साथ। तब तक अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें, YouTube पर देख रहे हैं तो हमारा चैनल सब्सक्राइब करें। फिर मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत।